हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं हॉलीवुड मूवी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स, जो मूवी 1986 में बनी हुई है, तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइस। तो चलते हैं सीधे मूवी की ओर और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ही ज्यादा। मूवी के शुरुआत में गाइज एक 16 साल का लड़के को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टर्की था और वो समर लोकेशन में अपने घर आ रहा था छुट्टी पे, और उसके मेट साथ थे जिसका नाम लपीता था, और वो मतलब तांगे चला रही थी। और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा टर्की था और 16 साल की उम्र में ही, आप समझ रहे हैं। तो वो जब देख रहा था कि इसके खरबूजे को मैडम के जो उछल रहा था तांगे चलाते वक्त, तो इसके मतलब पैंट गीली हो गई और मतलब मजे ले रहा था। और ये जो है तांगे वाली मैड, ये भी मतलब सब समझ रही थी, लेकिन इसको पता था कि चलो बच्चा है छोड़ दे। और ये मज़ा लेते हुए घर पहुंचता है, और गाइस इसका नाम रोजर है। और ये रोजर जब घर पहुंचता है तो इसकी माँ और सारे फैमिली इसका स्वागत कर रहे थे, तभी इसकी माँ की नज़र इसके पैंट गीली पैंट पर पड़ती है, तो बोलती हैं कि ये क्या है, मतलब गीला चीज ये क्या लगा रखा है। तो इसकी मौसी ही पास में खड़ी होती है, वो बोलती हैं कि छोड़ो ना, इस उम्र में धोता ही रहता है। और फिर वो खुद ही साफ करने लगती हैं रोजर के पैंट को, आप समझ रहे हैं ना। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजर जो है अपने बहन बर्था के साथ जंगल में जाता है घूमने के लिए, और तभी इसकी मुलाकात होता है मैड, जो लपीते होती हैं इससे, जो तांगे में इसको लेके आई थी। तो फिर उससे बात होने लगता है और रोजर भी कम ठरकी नहीं था, मज़ा लेने लगता है। और तभी क्या होता है कि जो मैडम लपीते होती हैं वो खड़े खड़े मतलब पौधे को पानी देने लगती हैं, आप समझ रहे हैं। तो फिर वहाँ से मतलब वो निकल जाता है, और ऐसे ही मतलब वो जंगल में घूम रहा होता है, तभी झाड़ियों में से आवाज़ आती है, वो दूसरे साउंड समझ रहे हैं आप, टपा टप की। तो वो जाकर जहाँ देखता है, वहाँ रोजर देखता है कि अरे यार, यहाँ तो उसके ही घर की मैड हैं, जो मियाँ खलीफा की बहन निकली, जो अपनी ही बैंड बजवा रही है। और ये देखकर मतलब रोजर जो होता है उसका दिमाग हिल जाता है, बोलता है कि अरे साला मैं ही मतलब सिंगल हूँ। और वहाँ से मतलब गाइस चला जाता है घर, घर जाता है रोजर, तो वहाँ पे मतलब रात को ये डिनर करते हैं साथ में। और इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होती है और हर एक नियम को मतलब वो पालन करती है। इसके बाद वो रोजर खाना खाने के बाद रूम में जाता है सोने के लिए, फिर रोजर को कमरे के बाहर से आवाज़ आती है, मतलब किसी के बैंड बज रही होती हैं टफा टफ। तो बाहर जाता है तो देखता है कि इसके ही घर के एक मैट हैं जिसके नाम हेलन है, और वो किसी मतलब जोनी सिंह के बड़े भाई से टपाटप बैंड बजवा रही है। और ये देखकर इसका माथा ठनक जाता है रोजर का, और सोचता है कि साला मैं ही सिंगल हूँ। फिर रोजर अपने कमरे में चला जाता है, कमरे में जाता है तो बेड पे सोता है, तो उसकी बहन मतलब बर्था छुपी रहती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, और बर्था बताती हैं कि उसकी मौसी जो है वो सिंगल है, मतलब अभी तक वो बिरगन है। तो रोजर इसका कारण पूछता है, तो वो बोलती हैं कि उससे मर्दों से डर लगता है। और फिर ये दोनों दूसरे दिन बाहर चले जाते हैं घूमने नदी के किनारे, और वहाँ जाकर मतलब बातें करते हैं रोजर और बर्था। तो देखते हैं कि वहाँ घर के सारे मेड मतलब नहाने आती हैं, और तभी देखते हैं पीछे से इनके घर के नौकर भी आते हैं, 3-4 नौकर जो इनके ही घर में काम करते थे। और वो मतलब नदी के किनारे वो 3-4 मैड बैठी होती हैं। फिर ये मतलब नौकर और मैड मिल के मतलब अपने अपने हथियार दिखाने लगते हैं सामान। इसके बाद इसका मज़ा लेते हैं रोजर और उसकी बहन। और इसके बाद मूवी के अगले सीन में वो घर चले जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन एलिसा आई है, घर के सभी मतलब मेम्बर से वो गले मिल रही हैं और रोजर से नहीं मिलती हैं। तो रोजर इसे देख कर मतलब दुखी होते हैं कि मुझसे मतलब गले क्यों नहीं मिल रही, बस ऊपर से हाय हेलो करके निकल जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि मूवी के अगले सीन में ये रोजर और उसकी बहन बर्था दोनों मतलब चर्च में जाते हैं, और तभी इनकी मौसी मार्गरेट का आवाज़ सुनाई देता है चर्च में, जो अपने किसी गलती का मतलब क्षमा मांग रही थी फादर से। तो चर्च के फादर बोलते हैं कि आखिर वो गलती क्या है बेटी, तुम बताओ। तो बोलती हैं कि मुझसे मतलब गलती हो गया फादर, क्योंकि रोजर जब से घर में आया है उसका मैं दीवानी हो गई हूँ और उसी के ख्याल में डूबी रहती हूँ, और उसके साथ मैंने इंटीमेट हुई मतलब इमेजिंग करके, और यही गलती है फादर। तो फादर बोलते हैं कि कोई ना, और ये सारी बातें मतलब रोजर और उसकी बहन बर्था सुन रहे होते हैं। और तभी रोजर ऊपर से मतलब छत से नीचे गिर जाता है, और जिसकी वजह से उसका सच्चाई खुल जाता है कि ये मतलब वो अपने मौसी की सारी बातें सुन रहा था। और इसके बाद जो फादर होते हैं वो रोजर के माँ को सारी बात बता देता है, और फिर उसकी माँ तो स्ट्रेट होती हैं, और वो मार्गरेट उसकी मौसी से बोलती हैं इसकी माँ कि तुम ही इससे कुछ करो, मतलब इसको डांट दो।
और फिर क्या होता है कि रोजर को मार्गरेट ही उसके पिछवाड़े पर 10 फटका लगाती हैं। इसके बाद रोजर का पिछवाड़ा तो मतलब सूज जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि वो रात को कमरे में सोने चला जाता है अपने बहन के साथ, और वहीं पर सोता है। तो फिर क्या होता है, रोजर को फिर से कमरे के बाहर बैंड की आवाज़ सुनाई देने लगता है, और फिर रोजर बाहर आता है कमरे से और देखता है कि हेलन जो है उसकी मैड वो फिर किसी से गपागप कर रही है, मतलब कोई है उसके पीछे। वो तो दिखाई नहीं देता है वो कौन है, जूनी सिंह के बड़े भैया, लेकिन ठुकाई हो रहा है ज़बरदस्त। इसके बाद क्या होता है कि अब की बार रोजर ही नहीं देख रहा था, उसके साथ मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे जो पासी के कमरे से देख रहे थे, और दोनों ही इस नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। और फिर इसके बाद रोजर कमरे में जाने लगता है, तो उसके कमरे में उसकी मैड एक आती हैं जो जिसका नाम उसूला होता है, और वो बोलती हैं कि तुम्हारी पिटाई हो रहा था तो मैं देख रही थी। इसके बाद रोजर पूछता है कि ये हेलन रोज ये क्या करती है, मतलब गपागप, मतलब कौन है इसके पीछे जूनी सिंह के बड़े भैया, आप बताएगी कृपया। तो बोलती है कि ये हम लोग मैड के एक सीक्रेट हैं जो कोई नहीं जान सकता, और ये रोज़ रात को होता है, ये हमारे लिए नॉर्मल है, और ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद रोजर को पता चलता है कि मिस्टर फ्रैंक भी उसके साथ इस लुप्त का मजा उठा रहे थे, मतलब जब गपागप हो रहा था तो वो भी देख रहे थे। तो सोचता है कि क्यों ना उस कमरे में जाए और उनसे ही पूछा जाए कि आखिर सीक्रेट क्या है, मतलब कौन है वो जूनी सिंह के बड़े भैया जो रोज ठुकाई करता है। इसके बाद रोजर जाता है उसके कमरे में मिस्टर फ्रैंक के, तो वहाँ देखते हैं कि जनाब वहाँ तो वो दूरबीन से मियाँ खलीफा के बड़ी बहन को देख रहे हैं जो किसी से बैंड बजवा रही है, और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तभी रोजर का निगाह एक बुक पर पड़ता है जिस बुक में मियाँ खलीफा का एकदम बायोडाटा था, बायोग्राफी था, तो उसको उठा लेता है और पैंट में रख के वहाँ से रोजर निकल जाता है। तभी रोजर जाता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं उसके कैमरे में कुछ मतलब आवाज़ आ रही होती है अजीब सा, तो ये समझ जाता है रोजर यहाँ भी बैंड बज रही है, तो वहाँ ताक झाक करने लगता है। तभी क्या होता है कि पीछे रोलांड आ जाता है और इसे पकड़ लेता है रोजर को ताक झाक करते हुए, और बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से बोलूँगा कि तुम इनके कमरे में ताक झाक कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है कि ये माफ़ी मांगने लगता है रोजर, और बोलता है कि तुम जैसे कहोगे वैसा करूँगा। फिर रोलांड भी कम नहीं था, वो अपने गाड़ी को साफ कराने लगता है इससे। इसके बाद रोजर जो होता है वो दूसरे दिन एक अस्तबल में जाता है और वही मियाँ खलीफा का जीवनी लेकर पढ़ने लगता है। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे रोजर के एक नौकर आता है जो कि कुछ चारे वारे डाल रहा था घोड़े को, और इसके बाद एक मेड भी आती है जो कि मुर्गियों का दाना डाल रही थी। और क्या होता है कि मतलब वो नौकर उस मेड को वहीं पे बैंड बजा देता है। फिर रोजर को ये सब समझ में आता है, तब तक काम हो चुका था, मतलब ठुकाई हो चुकी थी, और फिर मतलब ये समझ चुका था कि ठुकाई हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ठुकाई के पीछे कौन है जूनी सिंह के बड़े भैया। मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रोजर जो होता है वो अपने घर जाता है, तो वहाँ देखता है कि उसकी बहन एलिसा और रोलांड बैठे हैं, और फिर क्या होता है कि रोलांड जो है रोजर को बोलता है कि वो उसका जूता साफ करे, लेकिन ये मना कर देता है। फिर रोलांड जो होता है वो रोजर के ताक झाक उसके पेरेंट्स ने जो उस दिन किया था वो बता देता है उसकी माँ को। इसके बाद इसकी माँ इसको मतलब बहुत डांटती हैं और इसको बोलती हैं कि घर से बाहर निकल जाओ। इसके बाद क्या होता है कि रोजर मौका देखते हुए एलिसा के मतलब बुक में और मियाँ खलीफा का जीवनी रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर एलिसा उस बुक को पढ़ने लगती है मियाँ खलीफा के जीवनी, और उसको भी कुछ फीलिंग होने लगता है। इसके बाद मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है रोजर अपने घर के किचन से गुजर रहा था, तभी उसको उसूला दिखती हैं जो उसकी घर की मेड होती हैं, और वो झुकी होती हैं, और रोजर को क्या टर्की आदमी, और फिर वो जाकर पीछे से पकड़ लेता है उसूला को, और घपाघप करने वाला ही होता है तो एक मोटी मैड आ जाती है। रोजर को वहाँ से पतली गली से निकलना पड़ता है। अब तो रोजर को बर्दाश्त से बाहर था क्योंकि इसके छोटे लाल जो है नीचे के वो तो मतलब आतंक को उतर गया था। और फिर रोजर को तो कैसे भी हवस बुझाना था, और वो फिर मिसेस लपिता को देखता है जो कि और फिर रोजर को तो कैसे भी हवस बुझाना था और वो फिर मिसेस लपिता को देखता है जो कि तांगे में आई थी, और फिर बोलता है कि यही मेरे काम की हैं और कोई मतलब साथ नहीं देगा। फिर वो मिस लपिता के पीछे चले जाता है और उसको जाकर पीछे से पकड़ लेता है। फिर ये सुनकर सारे घर के मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, और इसके बाद एक बार फिर से रोजर का हवस नहीं मिटता है और फिर से वो हाथ मलता रह जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सारे मर्द मतलब जंग पर जाने लगते हैं, लेकिन एक फ्रेंड्स में रिवाज है कि जंग से जाने से पहले वो अपने बीवी के साथ मतलब गपागप करे और मज़ा उठाए, और वो भी जंगल में जाकर। और इसके बाद सारे मर्द मतलब अपने औरत को लेकर वहाँ से जंगल में चले जाते हैं और मतलब मज़ा उठा रहे होते हैं। और रोजर भी कम कहाँ था, वो भी ठरकी था, वो भी जंगल में पीछे पीछे जाकर वहाँ का नज़ारा का मज़ा उठा रहा था।
इसके बाद क्या होता है कि सभी मर्द मतलब जंग पर चले जाते हैं और रोजर जो होता है अपने घर के मेट उसूला के पास जाता है और उसको मतलब फंसाने लगता है और बोलता है कि अब तो सारे मर्द जंग पे गए हैं, अब तुम्हें कौन मतलब खुश करेगा। इसके बाद उसूला तो इसको रोजर को पहले से लाइक करती थी और फिर ये दोनों वहीं बैंड बनने लगता है घपा घप। दोनों मतलब पूरी रात मजा लेते हैं, एकदम लुत्फ उठाते हैं। और फिर सुबह क्या होता है कि इसकी बहन जो होती है बर्था, वो बोलती है कि हमारी माँ पादरी से कुछ मतलब क्षमा मांग रही है, मतलब चलो चल के सुनते हैं वो क्या मतलब अपनी माफ़ी मांग रही है कि क्या उसने गलती कर दी। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो वो बोलती हैं उसकी माँ पादरी से, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे मतलब अलग अलग पोजीशन में संबंध बनाता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे अलग अलग पोजीशन में मतलब लेता है, मतलब मजे देता है और मुझे भी मजा आता है, तो ये कोई गलती तो नहीं है फादर। तो फादर बोलते हैं कि नहीं ये गलती क्या है, तुम अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी। दूसरे दिन रोजर मतलब नदी के किनारे जाता है और वहाँ पे इसको इसके घर के मेड जिसका नाम केड होता है वो वहाँ दिखाई देती है और फिर रोजर उसको भी वहाँ फंसा कर वहाँ पे संबंध बनाता है। इसके बाद रोजर का मतलब हवस पूरा होने लगता है और रोजर अब सोचता है कि अब मैट का तो उसने मजा ले लिया है, अब वो अपनी मौसी मार्गरेट का मजा लेना चाहता है और उसका स्वाद चखना चाहता है क्योंकि अभी तक वो बिरगन है। और फिर क्या होता है कि रात को मार्गरेट अपने मौसी के कमरे में पहले से चला जाता है। जब मार्गरेट आती हैं तो वो देखती हैं कि रोजर उसके बिस्तर में बैठा हुआ है और मार्गरेट को आते हैं बोलता है कि मैं तुम्हें मतलब खुश करने के लिए आया हूँ और सभी मतलब घर के मर्द तो नहीं हैं और मैं मतलब तुमने ही मतलब फादर से बोलती थी कि मैं सपने में आता हूँ तुम्हारे, तो इसलिए आ गया हूँ। ऐसे ही मतलब इसको मतलब पटाता है और बाद में मान जाती है मार्गरेट जो है रोजर। और इसके बाद क्या होता है कि ऐसा ही मतलब रोजर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सभी औरतों को मतलब ये बारी बारी से मजा लेने लगता है और सबको खुश करने लगता है। इसके बाद गाइस मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रोजर जो है वो घोड़े के अस्तबल में जाता है और वहाँ जाता है तो इसकी जुबान होती है एलिसा वो मतलब बैठी रहती है, तो वहाँ जाकर उसको पटाने लगता है और यहाँ अच्छा मौका इसको मिलता है। और इसके बाद बोलता है इसे कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और धीरे धीरे उसके कपड़े को मतलब छूने लगता है और पहले तो ना बोलती हैं लेकिन बाद में वो मतलब मान जाती हैं और इसके बाद दोनों मतलब वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं और मतलब पूरा ठुकाई करता है उसकी एलिसा का। और इसके बाद ऐसे ही मतलब ये तो मजा लेता है इसका रोजर का, दोनों हाथ घी में है। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब रोजर रात को अपने कमरे में सोता है तो तभी मतलब हेलिन आती हैं, जो हेलिन है वो इसकी मैड वो जो हमेशा रात को आती हैं और मतलब बैंड बजवा के चली जाती हैं, लेकिन अभी तो युद्ध में सभी मर्द गए हैं तो कोई नहीं है, तो मतलब गलती से आ जाती हैं इसके कमरे में रोजर के और फिर जाने लगती हैं, लेकिन रोजर इसको पकड़ लेता है और पीछे से इसकी ठुकाई कर देता है, मतलब एकदम बैंड बजा देता है और ये भी मजे लेती है। फिर गाइस मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजर एलिसा के साथ बैठकर मैदान में मतलब खुले मैदान में इंटीमेट होता है और मजे लेता है। और फिर क्या होता है कि मतलब वहाँ पे प्लेन आता है ऊपर से, तभी एलिसा बोलती है कि देखो ऊपर से प्लेन आ रहा है, तो क्या होता है कि मतलब देख कर प्लेन को रोजर डर जाता है और ये छिपने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब युद्ध ख़त्म हो गया था, सारे मर्द मतलब घर आ रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, एलिसा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इससे काफ़ी डर जाता है रोजर। और ऐसे ही घर के सारी औरतें मतलब बताने लगती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और फिर रोजर को पता चलता है कि मतलब ये सारी प्रेग्नेंट हैं, तो इस पे तो मतलब दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ये इसकी माँ जो है बहुत ही कड़क है और इस उसकी माँ को पता चलेगा तो इसको उल्टा टंगवा देगी, तो ऐसा कुछ मतलब ये कुछ सोचता है। और एलिसा से जाके कहता है कि तुम रोलांड से शादी कर लो और उसके साथ मतलब एक रात बिता लो और इसके बाद मतलब ये तुम प्रेग्नेंट हो तो उसको पता चलेगा कि मतलब उसका ही है ये सब किया धारा और मैं बच जाऊँ। और फिर रोजर जो होता है वो उसूला को बोलता है कि वो नेपोलिस लाए और नेपोलिस वो लाती हैं और फिर एलिसा के बेड को लगा देता है लाल, जिसे पता चला कि ये अभी तक विरगन है। फिर इसका काम निपटा कर रोजर वहाँ से जाता है और मार्गरेट से बोलता है कि तुम भी जाकर एमआर फ्रैंक से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ऐसे ही मतलब इन दोनों को निपटा देता है और फिर उसूला के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मतलब तुम प्रेग्नेंट हो तो यही एक उपाय है।
लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि वो किसी और को लाइक करती हैं। और इसके बाद इन तीनों को मतलब वो शादी करा देता है। और फिर रोजर का मतलब छुट्टी जो है वो ख़त्म हो चुका था और इसका मतलब घर से अब जाने का टाइम आ गया था, तो ये जाने लगता है। तो रेडियो कर बाहर जाता है, तभी वो मतलब हेलेन आती है जो मैड होती हैं, वो बोलती हैं कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ। तो उसको हेलेन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा मतलब एक लड़का खोज देता हूँ, तो वो बोलती है नहीं, मना कर देती हैं। और इसके बाद वो बोलती हैं कि मैं तो मतलब बहुतों के साथ बैंड बजवाई हूँ, तो मैं तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगी, तो मेरा क्या, तुम जा सकते हो। और इसके बाद रोजर वहाँ से अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। तो गाइज यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।